वालेकुम एवरीवन क्या हाल चाल है आई होप कि आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज मैं आप लोग के साथ अपनी समर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग सो so, आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट ब्लैक दाल और इसको काला मसूर कहते हैं तो मैंने सोचा आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँ समर्स के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है तो सबसे पहले तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको सोक करके रख दिया था अच्छे से वॉश करके और फिर इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है दाल डाल दी है फिर मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट डाल दिया है हल्दी डाल दी है लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है और चिकन स्टॉक क्यूब ऐड की है और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है बिल्कुल थोड़ा सा तो इससे ना दाल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसको बॉयलिंग के लिए रख और यहाँ पर अभी बस मैं इरा का जो ब्रेकफास्ट है उसको रेडी कर रही हूँ इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एक व्लॉग में तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा या चैनल पर न्यू है तो मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप आराम से जाके देखें और हेल्दी फूड हेल्दी ब्रेकफास्ट अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं तो यहाँ पर जब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी करी थी इधा तो दाल मिश्रा से बॉयल आ गया था और बस अब मैंने इसकी लो फ्लेम कर देनी है और कवर करके इसको कुक करना है सो so, इरा के ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हो के बस अब मैं अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लूँगी और आजकल जो है ना वो मैं कुकिंग मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ तो अभी जो है ना वो साढ़े पाँच रहे थे मैं साढ़े चार बजे उठ गई थी तो वैसे भी मेरी शुरू से आदत है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और इरा के बाद तो और ज़्यादा उससे पहले ही उठ जाती हूँ कि साढ़े और पाँच बजे इरा उठ जाती है तो जब बच्चे उठ गए तो इट मीन्स कि वो आपका भी जो है वो एक्टिव टाइम जो है स्टार्ट हो गया है तो बस और आजकल मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है ना तो तो दोपहर में क्या होता है कि मेरे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना बिल्कुल लो हो जाते हैं और ये फैक्ट है क्योंकि सबके साथ ही ऐसा है लाइक हम जिनसे भी मिल रहे हैं चाहे वो फ्रेंड्स हो फैमिली हो तो सभी ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि लाइक दोपहर में तो काम करने का बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा होता तो लेकिन मेरे साथ जो है वो डिफरेंट सैनैरियोज़ होते हैं कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ तो कभी लेकिन आज जो गर्मी है ना तो अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं जो है ना वो मॉर्निंग में ही कुकिंग कर लेती हूँ तो लाइक साढ़े बजे जो है मैं सारा खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर रही थी तो आजकल इसी तरह से जो एक्टिव टाइम है ना मैं उसको इसी तरह से यूटिलाइज कर रही होती हूँ तो अभी बस मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर ली है साथ ही साथ और अब मैं जो है ना वो सेकंड जो रेसिपी है वो बनाने लगी हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी चिकन था तो मैंने सोचा कि उसको पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसके ना फ्राई चिकन टिक्का स्टाइल कुछ बना लूँगी बट मेरे पास जो है वो लेफ़्ट ओवर तंदूरी मसाला था तो मैंने कहा मैं उसी से कोई डिश बना लेती हूँ क्योंकि फिर जो है ना मसाले वगैरह में ना कीड़े वगैरह लग जाते हैं और फिर वो वेस्ट होता है तो वो चीज़ बहुत गलत है तो इट्स बेटर कि मैं वो यूटिलाइज़ कर लूँ तो बस अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना रात को ग्रॉसरी वगैरह करने गई थी और एक ही दिन में जो है ना वो वेजिटेबल्स का जो हाल होता है अगर ज़रा सा मैंने बस रात को ही रखे थे और मिर्चें वग़ैरह वो बिल्कुल ही जो है वो ख़राब सी मुझे लग रही थी तो बस अभी यहाँ पर मैंने कहा मैं क्लीनिंग वगैरह करके ना सबसे पहले तो वेजिटेबल्स रख देती हूँ क्योंकि अगर रात में भी रखें ना तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय वगैरह बना ली है तो अभी मैं चाय पीऊँगी और आधा काम मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा है उसमें जस्ट हमने पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के ना इसको मैरिनेट करना है तो यहाँ आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना था तो मैंने चाय वगैरह अपने लिए बना ली थी ताकि जब तक मैं चाय पीऊँगी तो तब तक मैं यहाँ पर मेरी मैरिनेशन वगैरह कम्प्लीट हो जाएगी और मैं इसकी भी कुकिंग इस्टार्ट स्टार्ट कर दूँगी तो दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो मैंने आराम से मॉर्निंग में बना के रख दी थी तो यहाँ पर सिंपली आपने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करना है और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी और उसको आपने मैरिनेट करके एक घंटा या आधा घंटा आप रख सकते हैं आराम से सो यहाँ पर अब उसकी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल और उसके अंदर मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज है जिसका पेस्ट मैंने बना लिया था आप क्रिएट भी कर सकते हैं बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो मैंने यहाँ पर बस इसको हाई फ्लेम पे बस आपने इसका सारा पानी जितना भी है ना वो फ्राई कर लेना है और फिर इसके अंदर जो है वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है एक चम्मच और भी इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है ये पूरे डिश जो है ना वो हाई फ्लेम पे ही ज़्यादा बनेगी और जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया बिल्कुल परफेक्ट था तो आप भी कर सकते हैं आराम से और बस इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और चिकन को ना इसके साथ फ्राई बहुत अच्छी तरह से करना है क्योंकि प्याज हमने जो है ना वो कच्ची डाली है पेस्ट इस तरह से डाला है तो ऐसा ना हो कि उसकी स्मेल रह जाए तो इसीलिए आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर इसके अंदर जो लेफ्ट ओवर मेरे पास तंदूरी मसाला था वो मैंने सिंपली इसके अंदर ऐड कर दिया उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर जो है ना टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ ये भी रेडीमेड ही मेरे पास पैकेट रखा हुआ था तो मैंने कहा कि इसके अंदर मैं डाल देती हूँ अच्छा ये जो रेडीमेड वाली टमाटर की प्यूरी होती है ना ये बहुत मीठी होती है मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है वरना मैं पहले यूज़ नहीं करती थी अभी बस मुझे अच्छी लगी ऑफर में थी तो मैंने ले लिया लेकिन अब मैं जो भी चीज़ में ये डालती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ना मीठा टेस्ट आ रहा होता है तो आप लोग भी बताएगा क्या टमाटर की जो प्यूरी रेडीमेड होती है क्या वो मीठी होती है तो बस यहाँ पर बस उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना मैंने हरी मिर्ची डाल के और बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के अब कवर करके लो फ्लेम पे कुक करना है जब चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगा तो अब इसको हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है क्योंकि मैं इसको ड्राई फॉर्म में तंदूरी चिकन स्टाइल में बनाऊँगी और एंड में जो है ना इसके अंदर आपने कसूरी मेथी डालनी है थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देना है हरा धनिया डाल देना है और हाई फ्लेम पर अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर कोयले का दम भी दे सकते हैं तो मैंने क्योंकि ये दाल के साथ बनाया तो इसलिए मैं इसके अंदर कोयले का दम वगैरह नहीं दे रही हूँ और ये स्पेशली मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जो दाल चावल जो है वो किसी सालन के बगैर या किसी फ्राइड चीज़ के बगैर नहीं खाते जैसे कि या तो कोई बारबेक्यू आइटम हो या बीफ़ का कोई सालन हो या चिकन इस तरह से फ्राइड हो कुछ इस तरह का हो लाइक वो सिंपल दाल चावल नहीं खाते और मैं बिल्कुल जो है मेरा सिनेरियो बिल्कुल उलट है कि मुझे दाल चावल के साथ कोई भी सालन अच्छा नहीं लगता मतलब मुझे लगता है कि इस्पेशली गर्मियों में ना मुझे लगता है उसका टेस्ट ही खराब हो जाता है जितना सुकून दाल चावल सिंपल खाने में तो सबके अपनी अपनी जो है वो चॉइस होती है तो बस यहाँ पर जब तक मैंने चिकन बनाया था तो यहाँ दाल भी रेडी हो गई है और दाल में ना मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है दाल बहुत घुटी घुटी होती है अब पाकिस्तान में क्या होता है ना मेरे पास घोटनी वगैरह थी तो मैं उससे करती थी बट यहाँ पे उस तरह का स्ट्रॉन्ग टूल मुझे नहीं मिला और जो मिलता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है तो अननेसेसरी है जब घर में एक मशीन है तो आप वही यूज़ करें और बस इसके अंदर मैंने जो है ना साबुत लाल मिर्चें ज़ीरा लहसुन और जो है ना प्याज का चॉप करके अच्छे से उसको बगाड़ लगा दिया और दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी है इस दाल में जो है ना वो इमली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बट अगर आपका गला ख़राब है जैसा कि मेरा है और मुझे बिल्कुल भी इमली अभी सूट नहीं कर रही है तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है खटास के लिए और एंड में बिल्कुल गरम मसाला डाला तो ये बहुत मज़ेदार वैसे भी बनती है अदरवाइज़ आप इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं और यहाँ पर रात को मैंने आमरस बनाया था लेफ्ट ओवर तो अभी जो है ना वो नौ बज रहे थे जब मैंने रूम में जाके टाइम देखा और मेरा सारा जो मेजर काम था ना वो हो चुका था मतलब कम्प्लीट ही काम हो गया था अब अगर मैंने कुछ करना था तो वो यही था क्या तो रेस्ट कर लें या फिर जो है ना एक्स्ट्रा कोई भी काम है तो वो कर लें अदरवाइज जो मेजर कुकिंग और सारी चीजें थी वो सब किचन का काम मेरा हो चुका था यहाँ पर सारे काम से फ्री होकर ना मैं सोचा था कि मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि तीन से चार घंटा मैंने कंटिन्यू कुकिंग की है बट फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ काफ़ी टाइम से मुझे सेपरेट है लाइक मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया वो अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी थी तो मैंने सोचा मैं रहा को सरप्राइज करती हूँ एज अ रिवॉर्ड जो है वो मैं उसकी कलरिंग एक्टिविटी जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं सारी चीज़ें रखी हुई थी घर पर तो आज जो है ना वो सरप्राइज कर दिया देते हैं तो बस अभी मैं यहाँ पर हम दोनों जो है वही कलर एक्टिविटी इंजॉय कर रहे हैं वैल well, इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है वो होता है एंड आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जो आपने लर्निंग की हो मेरी वीडियो से सो so, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफि